हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अशोक विश्वास और आप लोग देख रहे हैं विश्वास एडुट्रिक्स एंड टेक्नो। फ्रेंड्स, आज इस ट्यूटोरियल में मैं सॉल्व करने वाला हूँ 2019 CDP पेपर जो पार्ट वन या पेपर वन का सॉल्व। तो फ्रेंड्स, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन, Which of the following constructs does Right to Education Act 2009 advocate? Friends, question number one, निम्नलिखित संरचना में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ये समावेशी शिक्षा का। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर वन, इंक्लूसिव एडुकेशन या समावेशी शिक्षा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर टू, Dash is the philosophy that all children have a right to get equal education in a regular school system. Friends, ये भी inclusion. Question number टू, answer option फोर, ये विचारधारा है कि सभी बच्चे को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, समावेशी शिक्षा। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर टू, आंसर ऑप्शन फोर। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थ्री, A teacher should question number 3, answer option 3, communicate that she respect all values and cultures in the classroom. एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वो कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो क्वेश्चन नंबर 3, आंसर ऑप्शन 3। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फोर, चिल्ड्रेन लर्न इफेक्टिवली व्हेन, क्वेश्चन नंबर फोर, आंसर ऑप्शन 3, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज एंड टास्क। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वो विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर, आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फाइव, चिल्ड्रेन शुड डैश क्वेश्चन इन द क्लास। चिल्ड्रेन शुड वी एनकरेज टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। बच्चे को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर फाइव, आंसर ऑप्शन 4। आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए के। फ्रेंड्स, यहाँ में नॉट ए के ये हाईलाइट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए के प्रोसेस थ्रू व्हिच मीनिंगफुल लर्निंग ऑकर्स। तो फ्रेंड्स, ये जो कलम ए और कलम बी में Which of the following is not a K process through which meaningful learning occurs? So, question number 6, answer option 4, memorization and recall. ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि pedagogy ये कहता है कि memorizing कंठस्थीकरण एवं स्मरण नहीं होना चाहिए। तो question number 6, answer option 4. Answer option 4. Question number 7, which of the following represents the correct matching of the children in column A with their primary characteristics in column B? The column A aur column B mein match karna hai. So friends, question number 7 ka, jaise ki column A mein gifted, wo ability to learn quickly and independency. Raman wants a D matching hoga. तो फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन 1 वो राइट है। तो आप लोग पढ़ के बाकी देख लीजिए 1। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, चिल्ड्रेन एरर्स शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड बाय आस्किंग देम। चिल्ड्रेंस एरर्स, बच्चे का गलतियों, क्वेश्चन नंबर
8 आंसर होगा आर ए पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव हैन इनसाइट इनटू देयर थिंकिंग. बच्चे की गलतियां अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है. तो क्वेश्चन नंबर 8 आंसर ऑप्शन 2. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 असेसमेंट. असेसमेंट शुड बी ए पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. क्वेश्चन नंबर 9 आंसर ऑप्शन 1 मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए. तो क्वेश्चन नंबर 9 आंसर ऑप्शन 1. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम लर्निंग इज एक्टिव एंड सोशल इन इट्स कैरेक्टर. संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया. तो क्वेश्चन नंबर 10 आंसर ऑप्शन 4. तो क्वेश्चन नंबर 11 व्हेन टीचर्स हैव पॉजिटिव बिलीफ्स अबाउट स्टूडेंट एंड देयर एबिलिटीज द स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 11 जब शिक्षक विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते आर एगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न. क्वेश्चन नंबर 11 आंसर ऑप्शन 4. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 12 ए टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम एफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बाई. एक शिक्षक बच्चे को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 बच्चे को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं वो बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके. एनकरेजिंग क्वेश्चन नंबर 12 आंसर ऑप्शन 3 ए टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम एफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बाय एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इनिशिएटिव गेसेस एंड टू लुक एट मल्टीपल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 12 आंसर ऑप्शन 3. क्वेश्चन नंबर 13 यूज ऑफ मेथड्स व्हेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इज एन एग्जांपल ऑफ 13 वो विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्वपहल वो प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है. क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 2 लर्नर सेंटर्ड मेथड अधिगमकर्ता केंद्रित विधि ऑप्शन 2. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग हाइलाइट्स. स्टूडेंट हु डू नॉट परफॉर्म वेल फील दैट दे आर नॉट गुड एनफ एंड फील डिमोटिवेटेड दे आर देन लाइकली टू गिव अप इजिली विदाउट ट्राइंग और प्रिजाइडिंग इन डूइंग टास्क. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 आंसर ऑप्शन 4 कग्निशन एंड इमोशन आर नॉट सेपरेबल. स्वज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर ऑप्शन 4. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 ईजी है ये फैमिली परिवार. क्वेश्चन नंबर 15 आंसर ऑप्शन 4. तो क्वेश्चन नंबर 16 द मेजर पोजिशन ऑफ जीन पियाजेट्स थियोरी दैट. क्वेश्चन नंबर 16 आंसर ऑप्शन 3 चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स. जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चे को सोच गुणात्मक रूप से वयस्क से भिन्न है. क्वेश्चन नंबर 16 आंसर ऑप्शन 3. तो फ्रेंड्स
gender is an social construct. Gender is an social construct. Question number 17, answer option 2. Answer option 2. Gender ek samajik sangrachana hai. Option 2. 17, option 2. Question number 18. Which of the following correctly identifies the broad domains of development? Question number 18. To question number 18. Answer option physical, cognitive, social and emotional. निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है? शारीरिक, संगणनात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक. क्वेश्चन नंबर 18 आंसर ऑप्शन 4. क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 19. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट? बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 19 आंसर ऑप्शन 3. इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट एंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंस टेस्ट. बुद्धि वह आयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षण के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताओं शामिल है. क्वेश्चन नंबर 19 आंसर ऑप्शन 3. तो क्वेश्चन नंबर 20. इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज एक्टिव एक्सप्लोरर. 20 नंबर ऑप्शन आंसर ऑप्शन 2. सक्रिय अन्वेषक के रूप में. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट. अकॉर्डिंग टू लेब वाइगुट्स्की लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी. क्वेश्चन नंबर 21 आंसर ऑप्शन 4. लेब वाइगुट्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है. तो क्वेश्चन नंबर 22. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टराइजेस ए चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज. निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे की विशेषित करता है? फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 आंसर ऑप्शन 3. इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट विचारों की अनुक्त क्रमणीयता. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 23. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 23 आंसर ऑप्शन 3. चिल्ड्रन हैव टू बी रिवार्डेड एंड पनिश्ड टू मेक देम मोटिवेटेड फॉर लर्निंग. बच्चा और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? बच्चे को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 आंसर ऑप्शन 3. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट. 24. देयर आर इंडिविजुअल वेरिएशन इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट फाइन मोटर डेवलपमेंट. क्वेश्चन नंबर 24 आंसर ऑप्शन 2. क्वेश्चन नंबर 24 आंसर ऑप्शन 2. क्वेश्चन नंबर 25. द पीरियड दैट इनिशिएट्स द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड इज. वह अवधि जब वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 आंसर ऑप्शन 4. एडोलेसेंस या किशोर अवस्था या एडोलेसेंस. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 26. अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट चिल्ड्रेन. क्वेश्चन नंबर 26 एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मल्टीपल एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड.
क्वेश्चन नंबर 26 आंसर ऑप्शन 4 जिन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान के सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 27 लेफ भैगस्की रेफर्स टू द वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रेन हैव विद देमसेल्व्स एज। क्वेश्चन नंबर 27 आंसर ऑप्शन प्राइवेट स्पीच मीन्स वन आंसर ऑप्शन 127। क्वेश्चन नंबर 28 एसोसिएटिंग टॉयस आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग हाउस होल्ड आइटम्स ऑक्यूपेशन एंड कलर्स विद द स्पेसिफिक सेक्स इज ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। फ्रेंड्स खिलौने पहनाए की वस्तुओं घरेलू सामग्रियाँ व्यवसाय एवं रंग के विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है वो जेंडर रूढ़िवादिता। 28 आंसर ऑप्शन ए वन। क्वेश्चन नंबर 29 इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डैश द एक्सपीरियंसेस दैट ए चाइल्ड ब्रिंग्स विथ हर बिल्ड ऑन। क्वेश्चन नंबर 29 आंसर ऑप्शन 3। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 ए चाइल्ड आर्गूस दैट हेंज शुड नॉट स्टील द ड्रग मेडिसिन दैट कैन सेव हिज वाइफ बिकॉज ही विल बी कट एंड सेंट टू जेल इफ ही डज सो अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग व्हिच स्टेज ऑफ द मॉरल अंडरस्टैंडिंग डज द चाइल्ड फॉल अंडर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 आंसर ऑप्शन 2 द पनिशमेंट एंड ऑबिडियंस ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर ऑप्शन हिंदी में दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 आंसर ऑप्शन 2। तो फ्रेंड्स यहां पर 30 क्वेश्चन का सॉल्व खत्म। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लोगों में शेयर करना एक लाइक करना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। यह मेरा रिक्वेस्ट